गाइस, आज हम बात करेंगे मी मी प्रैम के बारे में। तो आज हम आर्टिकल देखने वाले हैं वो है MM-28A। इसमें हम प्रैम के साथ साथ रॉकर फंक्शन का भी बेबी के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि ये प्रैम साथ साथ रॉकिंग फंक्शन भी इसमें दिया हुआ है। प्रैम जैसे हम घर से बाहर यूज करते हैं, घर में बेबी के लिए रॉकर फंक्शन का यूज किया जा सकता है, यानी कि झूले का फंक्शन। तो आइए हम देखते हैं इसके एक फंक्शंस को, इसके फंक्शंस को कैसे ऑपरेट किया जाता है और कैसे कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी पोजीशंस के साथ। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं प्रैम स्लीपिंग पोजीशन में है। इसकी इसमें मल्टी पोजीशंस हैं। इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए बैक साइड में प्रोवाइडेड बेल्ट से इसकी फंक्शन पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। इसे हम पुल करके जब ऊपर ले जाते हैं, जिस पोजीशन पे हम इसे स्टॉप कर देंगे, आगे की पोजीशन वहां पर ही रुक जाएगी। और इसे नीचे लाने के टाइम पर आप देखेंगे इसमें एक बटन दिया हुआ है। इस बटन को जब हम प्रेस करेंगे तब ये नीचे साइड पुल हो जाएगा। तो यानी कि ऊपर डायरेक्ट ले जाकर और नीचे बटन प्रेस करके। न्यूली बॉर्न बेबी के लिए हम स्लीपिंग पोजीशन का यूज करते हैं। स्लीपिंग पोजीशन यूज करते टाइम फुटरेस्ट को हम ऊपर कर देते हैं, जिससे इसकी लेंथ बढ़ जाती है और बेबी का पैर आगे तक आ जाता है। आफ्टर 6 मंथ हम रिक्लाइन पोजीशन का यूज करते हैं। रिक्लाइन पोजीशन यूज करते हुए हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और ये एक रिक्लाइन पोजीशन में बेबी आ जाएगा। आफ्टर 9-12 मंथ बाद हम इसे सिटिंग पोजीशन में लाएंगे। अब सिटिंग पोजीशन में करने तक के टाइम पर फुटरेस्ट को नीचे करना होगा। फुटरेस्ट नीचे करने के लिए ये बोथ साइड बटन दी है, जिसे हम प्रेस करेंगे और फुटरेस्ट नीचे आ जाएगा। यानी कि फुटरेस्ट ऊपर करने के लिए डायरेक्ट आता है और नीचे करने के लिए बटन प्रेस करके। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें वॉशेबल कुशन है। जैसे बेबी इसे गीला करता है, गंदा करता है, तो इसे निकालकर वॉश किया जा सकता है। ये इसकी कैनोपी होगी। बाहर बेबी को शेड देने के लिए, ज्यादा धूप है तब हम इस कैनोपी का यूज कर सकते हैं। पीछे से क्योंकि हम बेबी को नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसमें एक विंडो दी है जहां से हम इजिली बेबी क्या एक्टिविटी कर रहा है वो यहां से देखा जा सकता है। बेबी के लिए सेफ्टी बेल्ट है, जिसे हम लगा देंगे तो बेबी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अब हम देखेंगे इसके रॉकिंग फीचर। रॉकिंग फीचर करने के लिए आप देखेंगे ये बोथ साइड लीवर दिया हुआ है। इस लीवर को हमें प्रेस करना होता है। बोथ साइड लीवर एक साथ प्रेस करेंगे और व्हील्स को ऊपर टर्न कर देंगे। बोथ व्हील्स एक साथ ऊपर टर्न हो जाते हैं। फ्रंट व्हील को बाहर की साइड पुल करना है और ऊपर टर्न कर देना है। इसे हमें एक एक करके इन व्हील्स को टर्न करना पड़ता है। अब आप देखेंगे प्रैम रॉकिंग पोजीशन में आ जाती है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसे छोटे बेबीज काफी एंजॉय करते हैं। 1 ईयर से न्यूबॉर्न से 1 ईयर तक बेबीज इसको काफी एंजॉय करेंगे। इसे हमें बार बार रॉकिंग करने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि छोटे बेबीज हाथ पैर जब हिलाते हैं तो ये ऑटोमेटिक रॉकिंग करता रहता है। इसे वापस प्रैम की पोजीशन में लाने के लिए अगेन इन दो लीवर्स को दबाना होगा और इसके व्हील्स नीचे आ जाएंगे। फ्रंट व्हील्स को बाहर की साइड पुल करना है, टर्न कर देना है, पुल करके वापस टर्न कर देना है। अब ये वापस प्रैम मोड पर आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट व्हील्स 360 डिग्री में रोटेट करते हैं। इन व्हील्स को अगर हमें स्ट्रेट चलाना है, इस लीवर को हम नीचे की साइड प्रेस कर देंगे, इनका रोटेशन बंद हो जाएगा। ये फंक्शन बोथ व्हील्स में दिया हुआ है। अब ये व्हील्स केवल स्ट्रेट चलेंगे, ये 360 डिग्री रोटेट नहीं करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं इनका रोटेशन अब बंद हो चुका है।
वापस इन्हें 360 डिग्री रोटेट करने के लिए इनको ऊपर की साइड प्रेस करेंगे और इनका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। बैक व्हील्स में आप देख सकते हैं स्टॉपर लगा हुआ है, ये इसे हम फुट से ऑपरेट करते हैं। नीचे की साइड प्रेस करेंगे तो व्हील्स का मूवमेंट बंद हो जाएगा, यानी व्हील्स स्टॉप हो जाएंगे। जैसे हम किसी जगह पर कुछ सामान परचेज कर रहे हैं, बेबी प्रैम के अंदर है, तब हम इसे स्टॉप करके खड़ा कर सकते हैं। अगेन ऊपर की साइड पुल करने पे इसके स्टॉपर्स हट जाएंगे और व्हील्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फ्रंट व्हील में आप देख सकते हैं शॉक एब्जॉर्बर दिया हुआ है, यानी जैसे रोड वगैरह पर अगर गड्ढे वगैरह हैं तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है, जिससे बेबीज कंफर्टेबली हम बेबीज को ले जा सकते हैं। बैक साइड में आप देखेंगे स्टोरेज है, क्योंकि ट्रेवलिंग टाइम में हमारे पास बहुत से सामान होते हैं, बेबीज के सामान है, मदर्स बैग है, ये सारा सामान हम स्टोरेज के अंदर रख सकते हैं। मगर एक चीज का ध्यान दोनों देना होगा कि स्टोरेज की कैपेसिटी 2 kg है, मैक्सिमम 2 kg। अब हम इसकी फोल्डिंग को देखेंगे, प्रैम कैसे फोल्ड करना है। ये प्रैम एक ऐसा प्रैम है जो सिंगल वन हैंड से फोल्ड किया जा सकता है, यानी कि जैसे आपने बेबी को प्रैम से उठाया, आपने अगर गोद में बेबी को ले रखा है तो ये वन हैंड ऑपरेट करके इसे फोल्ड किया जा सकता है। अब फोल्ड करने के तरीके को हम देखेंगे। इसमें इस लीवर को हमें साइड में करके नीचे आप देखेंगे एक बटन दिया है, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं, फोल्ड करने के लिए इसे हमें स्लाइड करना पड़ता है, ये चीज स्लाइड होगी और नीचे से बटन प्रेस, ये फोल्ड हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक नीचे आकर फोल्ड हो जाता है, जैसे कि आप इस साइड देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाता है। अगर मदर्स वगैरह इसे फोल्ड करके कैरी करना चाहते हैं तब उन्हें इस प्रैम के वेट को उठाकर उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुशन दिया हो गया है, इसे इजिली ग्रिप कर सकते हैं और प्रैम को पुल या पुश किया जा सकता है। ये पुल भी हो सकता है, पुश भी हो सकता है, तो इजिली हम इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। वापस अनफोल्ड करने के लिए इस लॉक को हमें खोलना होता है और ये प्रैम ओपन हो जाता है। अब हम प्रैम के बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं। ये तो इसके सारे फंक्शंस हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रैम में पाउडर कोटेड मेटल का यूज किया गया है, जिससे इसमें रस्ट वगैरह ना लगे। प्रीमियम क्वालिटी प्लास्टिक यूज की गई है और साथ साथ मिक्स फैब्रिक। प्रैम यूज किया जाता है 0 month बेबी से, यानी न्यूली बॉर्न बेबी से 36 month तक, यानी कि 3 years तक हम इसे बेबीज के लिए यूज कर सकते हैं। प्रैम की वेट कैपेसिटी 20 kg होती है इंक्लूडिंग स्टोरेज। तो आपने देखा जैसे कि इस प्रैम में प्रैम के साथ साथ रॉकिंग फीचर भी दिया है, जिसे बेबीज घर पे इंजॉय कर सकते हैं। अगर हम किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं तब भी हम इस प्रैम को कैरी कर सकते हैं और ये प्रैम में बेबीज रॉकिंग का फंक्शन को घर और बाहर दोनों साइड यूज कर सकते हैं। ये प्रैम इतना स्मूथ है कि किसी भी एंगल में कहीं भी थोड़ी सी जगह में टर्न हो जाएगा, इसलिए हम इसे कहीं भी लेके इजिली कम जगह पे भी टर्न कर सकते हैं। तो आपने देखा इस प्रैम के सारे फंक्शंस को। थैंक यू।